सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में चाहे जो हासिल कर ले, बस इतना ख्याल रखे कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। जिंदगी में हमें वही करना चाहिए जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। जिंदगी भर उन्हें संभाल कर रखें जो आपको बहुत अच्छे से संभालते हैं। आज का पंचांग 15 जून 2024 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि रात्रि 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 8:14 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। आप सभी को मिथुन संक्रांति की शुभकामनाएं। कन्या राशि 15 जून 2024 दिन शनिवार, आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें आई हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार जरूर रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको आज और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नींव भी पड़ेगी। इन सब के बीच खुद को तरोताजा करना और खुश रहना ना भूलें। किसी रिश्ते का अंत आपके जीवन में भावनात्मक घबराहट पैदा कर सकता है। अकेले रहना मुश्किल तो है, किंतु यह आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आपकी लंबी अवधि तक मदद करेगा। इससे आपको धोखाधड़ी और छल से मुक्ति मिल सकती है। आपके लिए इस समय कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आप महसूस करेंगे कि खोई हुई ऊर्जा आपको फिर से मिल गई है। सब कुछ मुमकिन है, बस खुद पर विश्वास करें। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्वाब आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगी। आज काम तनाव भरा और उबाऊ रहेगा। आज काम तनाव भरा और थकाऊ रहेगा, लेकिन दोस्तों के साथ आपको खुश मिजाज और जिंदा दिल बनाए रखेगा। प्रेम भगवान की पूजा की ही तरह पवित्र है। अगर आपको सच्चे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर भी यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जिम्मेदारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। आज आपका आपस में कुछ ज्यादा विवाद हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से निभाएं। कोई कीमती चीज की खरीदारी संभव है। सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। भावनात्मक रूप से बहुत सशक्त महसूस भी करेंगे। मानसिक रूप से तकलीफ देने वाली बातों को जीवन से दूर करने की, जिन बातों से विवाद हो रहा था उन्हें सुलझाने के लिए आपको खुद कोशिश करने की आवश्यकता होगी। पैसों की वजह से थोड़ी मात्रा में तनाव बना रहेगा, लेकिन आपकी हर एक जरूरत पूरी होती हुई नजर आएगी। खुद होकर किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के बारे में जानकारी देने से परहेज रखें। काम की जगह अपना काम पूरा होने के बाद ही अन्य लोगों की मदद करें। पार्टनर के स्वभाव में बढ़ रहा चिड़चिड़ापन आपके लिए तकलीफ का कारण भी बन सकता है। पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। सात्विक आहार लेने पर जोर देना भी होगा। सुबह से आलस का भाव रह सकता है, कार्य में मन नहीं लगेगा। आय अच्छी बनी रहेगी और अति आत्मविश्वास से हानि हो सकती है। दोपहर में व्यस्त रह सकती है। आय उत्तम रहेगी। व्यापार में नए सौदे होंगे। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शाम को छोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में सुखी रहेंगे। सावधानियां। कुछ दिक्कतें रहेगी। बढ़ते खर्चे परेशान कर सकते हैं, लेकिन तनाव में कोई ऐसा निर्णय ना ले कि बाद में पछताना पड़े। संतान का मनोबल बनाकर रखने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन भी जरूरी है।
बात करते हैं लव लाइफ की। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। सितारों के अनुसार आपके जीवन में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रिश्ते की संभावना है, जिससे आपकी लव लाइफ और भी रहस्यमय और रोमांचक हो जाएगी। याद रखें, आपका प्रेमी केवल आपसे समय और ध्यान की उम्मीद करता है। अपनी कोशिशों से आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। आज आप उत्तेजित और जोशीला महसूस कर रहे हैं। आज के दिन उत्साह, कामुकता और प्रेरणा से भरपूर है। अपने मनोभाव और विचारों को अपनी साथी तक पहुंचाने के लिए अच्छा समय है। खुद में विश्वास रखें और अपने रिश्ते में दूसरे लोगों को हस्तक्षेप ना करने दें, बल्कि आप दोनों स्वयं अपने निर्णय लें। बात करते हैं करियर की। किसी खास के अलगाव से आज आपका दिन निराशा भरा हो सकता है, किंतु आप जल्द ही इस परिस्थिति से उभर जाएंगे। विदेशियों से मुलाकात और व्यापार आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। फालतू व्यय या सामान की खरीद से आज बचें। अलग सोचें और जुनून के साथ अपने करियर में आगे बढ़ें। आज आप में नए कौशल सीखने और उनमें निपुण होने की तीव्र इच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मानसिक दायरा बड़ा और अच्छा हो, तो आप शिकायतें ना करने की कोशिश करें। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर को खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है, जो कि आपको लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में धन संबंधित मामलों को लेकर समझौता न करें, न ही किसी पर भरोसा करें। सरकारी मामलों में लापरवाही करना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोग लापरवाही से परेशानी में पड़ सकते हैं। परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। कार्यस्थल पर सव्यवस्थित रहेगा। अधिकारी और कर्मचारी सहयोग करेंगे। आय बेहतर बनी रहेगी। सरकारी तंत्र से सहयोग प्राप्त होगा। शाम को गोपनीय बात बाहर आ सकती है। सतर्क रहें, रात तक सभी मामले पक्ष के हो जाएंगे। आय बेहतर रहेगी। अनिद्रा की स्थिति हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपकी सलाह अच्छी होगी, लेकिन बिन मांगे दी गई आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा। इसीलिए चुप अपने काम से मतलब रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने फैमिली के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं। आज का उपाय, आज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।